हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे कोई भी अगर स्केच है तो उसको कैसे बनाएं, कैसे ड्रॉ करें, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इसमें मैंने पेंसिल्स का यूज़ किया है वो नॉर्मल पेंसिल है, एच बी पेंसिल, 3B पेंसिल, 8B पेंसिल और 6B पेंसिल का भी यूज़ किया है। इसके अलावा मोनो ज़ीरो इरेज़र और मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm की, जो इसकी आउटलाइन के लिए मैंने इसको मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ किया है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो शेडिंग है वो अगर हल्का एरिया है तो उसमें हम HB पेंसिल का यूज़ अगर करें तो बहुत ही जो रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे आएंगे आपके। जैसे आप देख रहे हो, जो मैं जो पेंसिल इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इसके जो आइस के नीचे पार्ट है, जो उसमें यहाँ पर हल्की शेडिंग है, वहाँ पर HB पेंसिल का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ है स्केच में। मेन बात यह है कि अगर आपके पास जो भी पिक्चर है आप उसको सही से ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्केच है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। मैं तो वैसे शुरू से तो मैंने कभी ड्राइंग कभी सीखी नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बन गया। लगभग एक साल पहले मैंने शुरू किया था इसको ड्रॉ करना, लेकिन शुरू में मेरी जो ड्राइंग थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, लेकिन फ्रेंड्स धीरे धीरे करके मैंने इसको इम्प्रूव किया है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने 10B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ जो डार्क एरिया की शेडिंग के लिए। तो आईब्रोज़ हैं, जो इसकी जो पिक्चर है उसमें जो आईब्रो है बिल्कुल ब्लैक है, तो उसमें मैंने इसको जो 10B पेंसिल का यूज़ किया है। जहाँ पर हल्की शेडिंग है वहाँ पर मैं ये देखिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से शेडिंग करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप कोई शेडिंग कर रहे हो तभी आपके जो रिज़ल्ट हैं वो बेटर आएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास जो पिक्चर है आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका पिक्चर ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। कोई भी अगर आपने स्केच बनाना है तो आप उसको कन्वर्ट कर अपना ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके फिर आप उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसकी शेडिंग के लिए मैंने स्टंप का यूज़ किया है, और नॉर्मली आप खुद भी बना सकते हो स्टंप को, कोई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाती है। खाली पेपर स्टंप भी रहता है एक किस्म का, शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसे आईज़ का मैंने पार्ट जो इसका मैं बना रहा हूँ वो डार्क पेंसिल से, जो 10B पेंसिल है उसका यूज़ किया है मैंने इसमें, और आप भी बड़ी आसानी से जो डार्क पोर्शन है उसको बना सकते हो इन्हीं पेंसिल का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स देखो आप लास्ट तक ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपने कुछ पूछना है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको आपको उसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। और फ्रेंड्स, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। तो आप ये वीडियो है शुरू से लेके लास्ट तक देखें तो आपको काफ़ी कुछ इसमें पता चल जाएगा।
फ्रेंड्स जो हमारा स्केच है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसमें से आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हम स्केच को कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। डार्क वॉश में जो हम 8B 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हल्की शेडिंग है वहाँ पर HB पेंसिल का या 2B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा डिपेंड करता है कि आप जो इमेज है वहाँ पर जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो किस पार्ट पे ज़्यादा है किस पार्ट पे कम है उसको आप देख के उसी अकॉर्डिंग ही आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका आपको जवाब जो है कमेंट में बता दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।